बनाना शेक। इसके लिए मैंने दो बनाना ले लिए हैं, ये देखिए, और इसको हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और बस एक गिलास दूध है, इसको भी डाल देंगे। ठंडा दूध है, आधा दूध पहले डालेंगे, आधा बाद में हम यूज़ करेंगे। और अब डाल देते हैं पीसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम डालेंगे। और अगर चीनी आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें शहद भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हनी। और ये है 5 से 6 किशमिश डाल देते हैं, और ये 5-6 काजू हैं, ये भी हम यूज़ कर लेंगे इसमें। और बादाम कटे हुए डाल देते हैं, और इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे मिक्सी में। इसी आइस डाल देते हैं, 4 से 5 क्यूब्स हैं, इसको डाल देंगे। और बचा हुआ मिल्क और डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, जिससे हमारी शेक की खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी इसमें, ये देखिए। और बस इसको एक बार और चला लेंगे। अब हम इसको चलते हैं सर्व करने के लिए। तो ये 2-3 बनाना मैंने कट करके उसके पीस रख लिए थे, तो उसको पहले हम ग्लास में उसको डाल देंगे, और साथ में थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे। तो ये हमारा काफ़ी ठंडा बन के रेडी होगा। और बस अब हम इसमें डाल देते हैं शेक। ये देखिए, हमारा टेस्टी और हेल्दी बनाना शेक बन के रेडी हो गया है। और बस इसको अब हम डेकोरेट कर देते हैं। थोड़ा सा बादाम है और काजू किशमिश, इससे हम कर देते हैं डेकोरेट। और ये बस छोटे छोटे पीस और 1-2 बनाना के डाल देते हैं। जब ये छोटे छोटे चंक्स खाने में आएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बनाना मिल्क शेक बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी है।